रूस की राजधानी मॉस्को में फिर ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने 3 ड्रोन से किया हमला, 1 ड्रोन हवा में किया ध्वस्त, 2 ड्रोन ने टारगेट को किया हिट। ड्रोन हमले में 1 रूसी नागरिक घायल, पुतिन को ड्रोन हमले की दी गई जानकारी। रूस ने ड्रोन अटैक को आतंकी हमला कहा। ड्रोन हमले का वीडियो आया सामने, कार चला रहे ड्राइवर ने हमले को कैमरे में कैद किया, बिल्डिंग में दिखाई दी आग की लपटें। हमले के बाद अलर्ट मोड पर एयर डिफेंस सिस्टम, विमानों की उड़ानों पर लगाई रोक, वनुकोवो एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ बंद। हमले में सरकारी इमारत समेत डिजिटल मिनिस्ट्री को भी नुकसान, मंत्रालय से दस्तावेज उड़कर गिरे बाहर, कई कागजात जले। यूक्रेन ने क्रीमिया गोडाउन में गोला बारूद के हमले को नकारा, कहा गोडाउन में विस्फोट तोड़फोड़ के कारण हुआ। बेलारूस से प्रिगोजिन का ऑपरेशन शुरू, पोलैंड की सीमा पर दिखाई दिए वैगनर लड़ाके, बेलारूस में हजारों की संख्या में मौजूद है वैगनर। पोलैंड के अलावा जर्मनी और लिथुआनिया में लोगों को घुसाने में जुटे वैगनर, कटीले तारों को काटकर लोगों को यूरोप में भेजने का वैगनर पर आरोप। यूक्रेन की खेरसोन और क्रीमिया के बीच स्ट्राइक ब्रिटिश से मिली, 12 मिसाइल स्टॉर्म शैडो से किया हमला, क्रीमिया को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर लगाया निशाना। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस ने तबाह की ब्रिटेन की तूफानी 12 एयर डिफेंस सिस्टम स्टॉर्म शैडो मिसाइल। यूक्रेन के डोनेस में सुनाई दी धमाके की आवाज, गोला बारूद डिपो में विस्फोट के बाद थर्राया पूरा इलाका। डोनेस के गैस स्टेशन पर सैनिकों के साथ कॉफी पीते और सेल्फी लेते नजर आए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, शेयर किया मुलाकात का वीडियो। आज सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाले नौसेना परेड पर रूस को ड्रोन हमले की आशंका, जहाजों की परेड के साथ अपना नौसेना दिवस मनाएगा रूस। बाखमुट फ्रंटलाइन के पास सैनिकों से मिले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूक्रेनी सैनिकों का हौसला बढ़ाया, बाखमुट में आगे बढ़ रही यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के शीर्ष रक्षा अधिकारी का दावा, निप्रो में मिसाइल हमले में कम से कम 9 लोग घायल हो गए, जल्द ही क्रीमिया में एंट्री करेगी यूक्रेनी फोर्स। क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी में यूक्रेन, रक्षा अधिकारी का दावा, बहुत जल्द ही क्रीमिया में एंट्री करेगी यूक्रेनी सेना। यूक्रेन का दावा, ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र के इंजीनियर का रूस ने अपहरण किया, रूसी कैद में इंजीनियर को किया जा रहा है प्रताड़ित। ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस, रूस ने ब्लैक सी में 6 युद्धपोत तैनात किए। अजोव सागर में भेजा गया एक युद्धपोत, मौसम खराब होने से रोका गया ऑपरेशन, मौसम ठीक होते ही ओडेसा पर बमबारी कर सकता है रूस। लुहांस्क में रूसी फोर्स को बड़ी कामयाबी, सर्गे येवका में रूसी फोर्स ने कब्जे का दावा किया, 1.5 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया। यूक्रेनी सैनिकों को मदद दे रहा है ब्रिटेन, टैंकों की ट्रेनिंग भी लेते नजर आए यूक्रेनी सैनिक, ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने शेयर किया वीडियो। विपक्षी सांसदों के 21 सदस्यों के मणिपुर दौरे का दूसरा दिन, शिविर में जाकर लिया पीड़ितों का हालचाल, आज दोपहर दिल्ली लौटेगा डेलीगेशन। भारत ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-56 लॉन्च। इसरो ने लॉन्च की सिंगापुर की 7 सैटेलाइट एक साथ, भारत का कमर्शियल मिशन है पीएसएलवी C-56। 20 दिन के अंदर तीसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह, बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। हिंदी भाषी कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का तंज, मंदिर में जाकर सिर्फ घंटा बजाना ही हिंदुत्व नहीं होता। पुणे से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, आतंकियों ने रची थी सीरियल ब्लास्ट की साजिश, आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए छाबड़ा हाउस की सुरक्षा बढ़ाई गई। पीएम मोदी आज मन की बात के 103वें एपिसोड के जरिए करेंगे देशवासियों से बात, सुबह 11 बजे होने वाले प्रसारण को लेकर यूपी में बड़ी तैयारी। दिल्ली के नांगलोई इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। नांगलोई में स्टेडियम में एंट्री को लेकर हुआ था हंगामा, पुलिस की गाड़ियों और बसों में की तोड़फोड़, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुहर्रम पर पीलीभीत में बवाल, 5 घंटे बवालियों के कब्जे में रहा हाईवे, पथराव में कई घायल, वाहनों में तोड़फोड़। वाराणसी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शिया सुन्नी में झड़ा, पथराव की घटना आई सामने, भारी पुलिस बल रहा तैनात। अमरोहा में अनहोनी, 35 फीट ऊंचे ताजिए पर उतरा हाई टेंशन लाइन का करंट, दर्जनों लोग झुलसे, 2 दर्दनाक की मौत। राजस्थान के सीकर में मुहर्रम पर ताजिए के जुलूस में हंगामा हुआ, आपस में भिड़े करतब दिखा रहे युवा, एक युवक का फूटा सिर।
नोएडा में खौफनाक वीडियो आया सामने। करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत। घर की बालकनी के पास से निकले बिजली के तार की चपेट में आई महिला। पटना के बेहटा में बालू माफिया ने किसान को मारी गोली, मौके पर मौत। गोलीबारी में दो लोग घायल हुए। TV9 भारतवर्ष से पाक स्टार कंपनी के मालिक की एक्सक्लूसिव बातचीत। कंपनी के मालिक ने अंजू को गिफ्ट किया प्लॉट। पाक स्टार ग्रुप में नौकरी का भी ऑफर। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। 2 किलोमीटर तक किया पीछा। घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग। गाड़ी टच होने पर पीट पीट करके अधमरा। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क हादसा। नीरा देवघर बांध में गिरी गाड़ी, 3 की मौत। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य अस्पताल में भर्ती। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत। रायगढ़ में टैंकर में लग गया, कई धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। ट्रैफिक जाम हुआ, मौके पर पुलिस। तमिलनाडु में त्रिची से चेन्नई नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर। सड़क के किनारे गिरी बेकाबू कार। आग लगने से 4 लोगों की मौत। राजस्थान में सरेआम महिला को पीटने का वीडियो सामने आया। मानसरोवर इलाके की घटना, 2 लोग गिरफ्तार। MP के सतना जिले में नाबालिग छात्रा से रेप की वारदात के बाद सनसनी, आरोपी गिरफ्तार। गोवा में रेप आरोपी की पीड़िता ने की है धुनाई। बीच सड़क पर पीटा, आंख में झोंक दी मिर्च। सीमा हैदर के बाद एक और प्रेमिका श्रीलंका से भारत आई। प्रेमी से मिलने पहुंची आंध्र प्रदेश। गुजरात के जामनगर में जिंदगी से खिलवाड़। उफनते बांध में नहाने उतरा परिवार, डूबने से 5 की मौत। मोहाली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खिलाड़ियों के खाने में निकली छिपकली, कई बच्चों की हालत खराब हुई। महाराष्ट्र के ठाणे में जब्त की गई अवैध नाव, रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने तबाह किया। लखनऊ में हेलो राइट के नाम पर अरबों की ठगी करने वाला अरेस्ट हुआ। कंपनी बनाकर लाखों का मुनाफा देने का लालच दिया जाता था, 25,000 का इनाम था।